Hey guys, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Pinkvilla. Hi, this is Kashmera. Hi, this is Krishna and we are on Pinkvilla. Love Talkies. Love Talkies. It was just a one night stand with her. हम लोग एक शूटिंग शो फिल्म के दौरान मिले थे. जैकी श्रॉफ सर ने फ़ोन किया था मुझे एक फिल्म के लिए लॉन्ग टाइम बैक, 10-12 ईयर्स बैक, कि एक फिल्म है और तू उसमें काम कर मेरे साथ में. मैंने बोला ठीक है. सो वी मेट इन जयपुर वेयर आई वॉज द हीरो ऑफ द फिल्म, शी वॉज द हीरोइन ऑफ द फिल्म, जैकी श्रॉफ वॉज द विलन ऑफ द फिल्म और द प्रोड्यूसर. यू शुड हैव बीन विलन, यू शुड हैव बीन हीरो. वो तो बाद में पता चला ना, वो तो पहले का फिल्म की, वो तो रियल लाइफ की बात अलग है. रियल लाइफ में तो पब्लिक जानती कौन विलन है. हाँ तो तो हम लोग वहाँ मिले और फिर शी जस्ट कॉल मी फॉर डिनर एंड डिनर के बाद शी सेड यू कैन बी. इतना नहीं था, ऐसे था. मुझे बोले देखो अभी रात होगी, 2 बज गए, अभी कहाँ तुम अपने होटल जाओगे, यहीं पे सो जाओ और सुबह शूटिंग है. रात को रूम से निकलोगे तो लोग हमारे बारे में गलत बात करेंगे. गलत ही होता है ना, हमने से, वी वर जस्ट हैविंग डिनर. तो वी हैड डिनर एंड देन आई वाज देयर, आई स्लेप्ट देयर एंड सिंस देन ही इज नॉट लेफ्ट. आई हैव नॉट लेफ्ट. हैविंग किड्स ऑब्वियसली चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट मेड अस अवेयर दैट वी आर पेरेंट्स नाउ. फर्स्ट वी आर पेरेंट्स टू एनिमल्स, नाउ वी आर पेरेंट्स टू आवर किड्स. And yeah, we didn't change majorly because we knew what kind of parents we were going to be. हम लोगों ने काफ़ी struggle किया था to have kids. So we were just thankful that we had kids finally. And yeah, we have started putting the needs of the kids first. I think we've become our parents. मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोगों की लाइफ बहुत चेंज हो गई है या फिर यू नो, हम तो वी आर स्टिल वर्किंग. हम जैसे अपने शूट्स पे जाते हैं, किड्स आर देयर एट होम्स. जब ये नहीं होती तो मैं होता हूँ, मैं नहीं होता तो ये होती है, हम दोनों नहीं होते तो सिस्टर होती है, आरती होती है, ऋषभ इज देयर एट होम. तो दे ऑल टेक केयर ऑफ द किड्स. और दोनों के नेचर बहुत अलग हैं. वी हैव टू बॉयज, वन इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्वीट, वेरी क्या बोलते हैं, वो किसी के पास भी चला जाता है, किसी को गोद उठा लेगा, कुछ नहीं बोलता, हंसता रहता है, गान म्यूजिक बजाओ नाचता रहता है. और एक बहुत एरोगेंट है, एक वो रोएगा, चिल्लाएगा, बाल नोच लेता है, मुंह पकड़ लेता है, थप्पड़ भी मार देता है. तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कौन किस पे गया है. वेरी इंटरेस्टिंग. सास भी कभी बहू थी. एकता कपूर के जितने 3000 सीरियल आते हैं, नागिन नागिन फागिन सरडा चमेलियन, ये कितने जो भी आते हैं, वो कमेलियन और चमेलियन वो सब ठीक है, एक ही है. ऐसे बहुत सारे जो एनिमल शोज ये जितने आ रहे हैं, इन सब शोज से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारी लाइफ की कहानी. हम पे एक बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं. फिल्म तो नहीं, अभी टाइम लगेगा उसके लिए, अभी और अभी अभी ये और बहुत कांड करने वाली है लाइफ में. तो मैं भी करूँगा, अभी मैं भी कांड में आया हूँ अभी धीरे धीरे. पहले मैं बहुत सीधा था. तो हाँ, हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन रहे. मामा के साथ नाराज़ हो गए, गोविंदा जी ने बात नहीं की 2-3 साल, फिर कुछ हो गए, फिर कभी कोई नाराज़ हो गया, फिर ये स्ट्रगल वो स्ट्रगल ये वो करते करते फिर हम लोग यहाँ तक आ गए. Not taking it too seriously. Yes, जब बहुत सीरियस लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल कंपेटेबल नहीं है. हाँ बिल्कुल. हाँ, एज अ कपल ऐसा हम लोगों को, मुझे इसकी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है. सुबह मैं उठता हूँ, मुझे गालियाँ पड़ती हैं, बाथरूम में 1-1 घंटा लगाता हूँ तो सुबह से गालियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर दिन भर का ऐसे प्रॉब्लम रहता है हम लोगों का. तो हमारा कोई सिस्टम नहीं है लाइफ का, इसीलिए वी आर ऑन गोइंग. तो जितने लवी डवी कपल्स हैं, जो जिनमें बहुत कंपेटिबिलिटी है, जो बचपन से एक दूसरे को स्कूल से जानते थे, मेरे ख्याल से वो 80% डिवोर्स्ड हैं. तो आई थिंक कश्मीरा को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता. Can't even say my name properly. हाँ जो भी है यार, मैं बिल्कुल, हमारी कोई ऐसी कोई ग्रेट लाइकिंग भी नहीं है, इसलिए हम अलग अलग हो रहते हैं. मैं अपनी शूटिंग्स पे रहता हूँ, अपनी शूटिंग पे रहती हूँ. तो जब आप बताइए, जब दोनों में बातचीत ही नहीं होगी तो झगड़ा कहाँ से होगा, है ना. तो कंपेटेबल है हम लोग, तो एक्चुअली वैसे हैं और नहीं भी हैं, तो हमारा झगड़ा ही नहीं होता. वी हैव डिसाइडेड टू डिसएग्री. तो ऐसे ही है, लाइफ चल रही है, मजबूरी है. I would rather be careful. Living is not bad, I guess. No, we lived in together. I liked it. तो ऐसा कुछ नहीं. Living is also it's like marriage. I would rather marry and live in with someone else.
is that allowed? Haan, that's also okay. He's superb, yeah. That's fantastic. Wo acha hai, usme very competitive. Choice rehta hai aapke paas. To dono jagah sambhal jata hai. Jhagde bhi nahi honge. Haan. So should I live in with you and marry someone else? Or should I be you're married to me, na? Now what to you do? Can be in live-in. Okay. Jaise main hoon. Haan, again. We would rather have lights off, yeah. Yeah, but on in what? While cooking, I'd rather have the light on. But otherwise, I won't. No, it's not cooking. It's about cooking other things. Cooking kids. Okay, off. Definitely off. No. We'd rather stay in different houses. Different house. We have two houses. So when she starts cribbing, so I go and stay there. And when I start cribbing, she's there. No, she's there in the same room with me. Because galiyan deni hoti hai na, ye nahi jati dusre ghar. Beach. Wow, samundar hai. It's easier to drown someone. Means swim together. No, hills are. I'm from, my native is Oh God, he has to mention Simla. This in every interview. Himachal, so fir I think hills are more cooler and thand mein. Easy to push someone. ठंड में ज़्यादा अच्छा रहता है। हॉरर। We watch horror films every night. Every night. फिर किसी दिन खत्म हो जाती है ना ये सब आजकल Netflix पे इधर उधर सब खत्म हो जाती हैं। फिर एक दूसरे को देख के सो जाते हैं हम। I think ये जितने couples हैं, उनसे we are the most compatible because we are not like husband wife और ज़्यादा We are more friends. So I think आप ज़्यादा दोस्ती अगर आपकी होगी तो लाइफ का लव टॉकीज लंबा चलेगा और अगर आप हस्बैंड बन जाएंगे और वो वाइफ बन जाएगी तो फिर आपके मैसेजेस पकड़े जाएंगे आपका डिवोर्स हो जाएगा एंड इट हेल्प्स दैट आई एम सो गुड लुकिंग इफ यू लाइक दिस सेगमेंट ऑफ लव टॉकीज विद अस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पिंकविला